अच्छा, तो ये एक नई किस्म की लाइट है जी, जिसमें 16 LEDs हैं और 18 SMDs हैं। 9 SMDs इसकी एक साइड पे हैं और ये 9 SMDs दूसरी साइड पे हैं। SMDs मतलब के ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं एक दोनों साइड्स पे स्ट्रेट लाइन, ये SMDs हैं। और बाकी इसके साइडों पे SMDs लगी हुई हैं, एक कॉर्नर में लगी हुई हैं 8 LEDs और दूसरे कॉर्नर में 8 LEDs, ठीक है। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है जो कि आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। आप बिल्ड क्वालिटी बोलें तो बहुत ही अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल है, बुरी भी नहीं। अच्छा, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी ये साइड जो हैं वो खाली हैं, जिस तरह ये साइड थोड़ी थोड़ी ये खाली हैं, ये सुराख बने हुए हैं, तो जी ये पानी अंदर जाएगा, तो लाइट वाटर प्रूफ नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि लाइट वाटर प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि अगर पानी अंदर जाता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। अगर आपको इशू हो रहा है कि वाटर प्रूफ नहीं है, ये सुराख हैं, तो आप काइंडली मेहरबानी करके ऑर्डर ना करें, ठीक है। हाँ, अलबत्ता 7 days की रिटर्न वारंटी होती है, अगर लाइट ख़राब हो जाती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको जो है वो पूरे पैसे आपके देंगे डिलीवरी चार्जेस समेत, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है। खैर, अब इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो फंक्शंस इसके ऐसे हैं कि इसमें 3 तारें दी गई हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये 3 तारे हैं। अब ये येलो वाली वायर जो आप लोग देख रहे हैं, ये फ्लैश के लिए होती है। मैं फोकस करता हूँ इस पर, ये देखें, ये येलो वाली वायर जो आप देख रहे हैं ये फ्लैश के लिए है। मीन्स कि अगर आप डिपर लगाना चाहते हैं अपने मोटरसाइकिल पे या गाड़ी के डिपर के बटन के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो ये फ्लैश करेगी, उस टाइम ओवरऑल कंप्लीट लाइट फ्लैश करेगी। रेड वाली वायर का मतलब ये है कि ये सिर्फ जलेगी, और ब्लैक वाली वायर का मतलब ये है कि ये आपने अर्थ देना है। अर्थ तो बॉडी में कहीं भी दे सकते हैं आप। अब आपको इसका एक डेमो देते हैं कि किस तरह से ये लाइट वर्क करेगी। तो जी, ये इसकी फ्लैशिंग मोड ऑन किया हमने। अब ये आधी लाइट जल रही है, मींस के जो बीच वाली SMDs हैं इसकी वो इस टाइम लाइट अप है, और बाकी जो है वो ये फोकस मैंने किया, ये बीच वाली SMDs जल रही है। तो आप बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो ये कंप्लीट लाइट जलेगी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बटन को ऑन ऑफ किया मैंने तो ये कंप्लीट लाइट जलेगी, ठीक है। इसी तरह से फ्लैशर का फंक्शन भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये अगर मैं येलो वायर के साथ इसको अटैच करूं, ये आपका फ्लैशर ऑन होगा, ठीक है। ये देखें, येलो वायर के साथ मैंने इसको अटैच किया तो ये फ्लैश कर रहा है, तो काफ़ी तेज़ रोशनी है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये वापस रेड वायर के साथ, मींस के ये ऑन ऑफ के लिए, ये इसकी साइड वाली लाइटें बंद हैं। ये एज अ फॉग लैम्प आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ DRL आप यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको रोशनी चाहिए हो तो आप ये पूरी ऑन करें। अब आपको एक इसका रिव्यू दे देते हैं इसका आगे किसी वीडियो के साथ में, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल ब्राइटनेस कितनी है। अच्छा, तो जी ये हमने पूरी लाइट ऑन की है इस टाइम, ठीक है। ये कम्प्लीट जल रही है, दरमियान वाली भी इसकी SMDs भी जल रही हैं और ये भी। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो पहले जिन प्रोडक्ट्स का, जिन लाइट्स का हमने रिव्यू किया है उनके कंपेयर्ड इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी नहीं है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप ये लाइट ना लें, क्योंकि नॉर्मल है ब्राइटनेस इसकी। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई सबसे एक्सट्रीम इसकी ब्राइटनेस है, ठीक है। अब ये फुल जल रही है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ फोकस करके, ये फुल जल रही है, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ फर्दर के सिंपल जो दरमियान वाली ट्यूब है उसके साथ ये किस तरह चलेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ दरमियान वाली SMDs काम कर रही हैं, आप बाकी जो है वो LEDs ऑफ है, ठीक है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की स्पॉट बनाएगी, ये किस तरह से काम करेगी। तो जी ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, जो कि एक 3D की सेंस में आप कह सकते हैं, ठीक है। एक 3D लाइट बना रही है, थ्री डायमेंशनल बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है।
ये एज अ फॉग लैम्प या DRL अगर आप यूज़ करें तो ज़बरदस्त आपकी लुक जो है वो अच्छी आएगी, एक फैंसी लुक आएगी आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल की, और जो कि अलग किस्म की होगी, पहले मतलब आपने किसी गाड़ी बाइक पे ये चीज़ नहीं देखी है, ठीक है। जैसे कि फिर से मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सामने दीवार तक इसकी रोशनी जा रही है। अच्छा, ये छत पे जैसे कि आप देखें तो पूरा एक स्पॉट बना रही है ये, जैसे कि मैं आपको फर्दर दिखाऊं लाइट को हिला के, तो ये चीज़ आप देखें, ठीक है। अब आपको इसका फ्लैशर दिखा देते हैं आखिर में, फ्लैशर जो है वो किसी भी लाइट का सबसे तेज़ होता है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आ गया जी फ्लैशर, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी ब्राइट इसका फ्लैशर है। अगर सामने आप दीवार पे देखें तो सामने दीवार तक जो है वो फ्लैशिंग इसकी देखी जा सकती है, ठीक हो गया। फ्लैशिंग जो है इस लाइट की कमाल की है। अगर आपने इसको डिपर के लिए लेना है एज अ डिपर, तो फिर आप ये लाइट परचेज़ करें, क्योंकि फ्लैशिंग के मैंने आज तक जितनी भी लाइट्स का रिव्यू किया है, फ्लैशिंग के मामले में सबसे ज़्यादा ब्राइट लाइट मुझे ये लगी है। तो अगर आपने डिपर के लिए एक फ्लैशर के तौर पे कि भाई गाड़ी या बाइक पे लगा हो कि भाई मैंने पहले निकलना है मुझे रास्ता दो, तो उसके लिए ये लाइट जो मैं कहता हूँ एक्सट्रीम ब्राइटनेस है इसकी फ्लैशिंग के लिए। और अगर आपने ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करनी है कि भाई रोड पे नज़र आए बहुत ही खाली रोड है, तो उसके लिए ये लाइट नॉर्मल है। आप इतनी अच्छी नहीं कह सकते, इसको बुरी भी नहीं कह सकते, नॉर्मल आप कह सकते हैं। 100% से मैं इसको तकरीबन 60% मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो ये लाइट परचेज़ करें। बाकी आप देख लें बाद में कमेंट सेक्शन में, रिव्यूज़ में, अगर आप लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे बताया है वैसे नहीं है, ये है वो है, तो भाई फिर ये अगले बंदे का दिल बड़ा ख़राब होता है कि हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम एक नई प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं जो मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही। जैसा कि आप देखें तो बाइक आर्केड जो प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही है वो प्रोडक्ट्स मार्केट में कहीं भी नहीं है। एक नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, पहली बार हम इनको मूव करवाते हैं, और उसके बाद फिर लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि भाई वाटर प्रूफ नहीं है तो ये नहीं है। वाटर प्रूफिंग की जहाँ तक बात है तो वो मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में बता दी है कि वाटर प्रूफिंग की क्या सेंस होती है, और ये फर्दर आपके आगे लाएगा। आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको दिया गया। थैंक यू।